नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है और मेरे बड़े भाई इन्हें देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। एक एक देशवासी को कहना चाहती हूँ, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर जिले में, हर सड़क पे ये मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइज खोलो। उत्तर प्रदेश की धरती पर भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है। गर्व उन भारत यात्रियों पर, एक एक देशवासी पर जो इस यात्रा से जुड़ा, क्योंकि इस यात्रा की जो भावना है वह प्रेम, एकता की, सद्भावना की जो भावना है, उसी भावना ने इस देश का नींव डाला। मुझे आप सब पर गर्व है कि 3000 किलोमीटर चलकर कन्याकुमारी से पैदल आप आज यहां तक पहुंचे हैं। और मेरे बड़े भाई इन्हें देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया, सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा हैं। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। गर्व है मुझे इन पर और आप सब पर। जैसे इन्होंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। मैं यहाँ खड़े एक एक यूपी के कार्यकर्ता, एक एक देशवासी को कहना चाहती हूँ, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर जिले में, हर सड़क पे ये मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइज खोलो। सब जगह दिखनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं खोलोगे और नफरत की राजनीति, लोगों को तोड़ने की राजनीति आगे बढ़ती रहेगी तो आपकी समस्याओं का कभी समाधान नहीं होगा। रोजगार नहीं मिलेंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो पाएगी, महंगाई नहीं घट पाएगी। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये जोड़ने की बात करती है, लेकिन भूलिए मत ये किस लिए बात कर रही है। ये इसलिए कर रही है कि जब एकजुट देश बनेगा, जब ही मजबूत होगा, जब आप सब साथ होंगे, तभी आप इस सरकार से अपना हक मांग पाएंगे। जब तक आपको बिखेरा जाएगा, आपको अलग किया जाएगा, तब तक आपका ध्यान अलग अलग मुद्दों पर आकर्षित कर पाएंगे। और आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए आपके रोजगार पर, महंगाई को कम करने पर और विकास पर। यही आपकी मांग होनी चाहिए। तो अब यहां से यात्रा कश्मीर तक चलेगी, आप सब साथ चलेंगे। कोई मुझे पूछ रहा है कि आपके भाई को ठंड नहीं लगती, छोटी सी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं ठंड में। ठंड से इन्हें बचाओ। किसी ने मुझे कल कहा, भाई ठंड से इन्हें बचाओ, जैकेट तो पहनवा लो। फिर किसी ने मुझे पूछा कि आपको डर नहीं लगता इनकी सुरक्षा के लिए? अब कश्मीर जा रहे हैं, पंजाब से गुजरेंगे, तमाम लंबी यात्रा करेंगे कश्मीर तक, डर नहीं लगता? तो नहीं, मेरा जवाब ये है कि ये सत्य का कवच पहन के चल रहे हैं। भगवान इनको सुरक्षित रखेगा। और जब तक आप सब इस देश की सच्चाई को पहचानेंगे, तब तक भगवान इस देश की सच्चाई को सुरक्षित रखेगा। पहचानिए, एकता में ही आपका विकास है,
सब साथ चलिए, पूरे देश भर में ये पैगाम ले जाइए एकता सद्भावना और प्यार का। हम इस देश को बचा के रखेंगे, इस देश को विकसित बनाएंगे और नौजवानों को अपना हक दिलवाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, जोड़ो, जोड़ो।